सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को हमारा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 765 डिग्री। तो हमारी साइन 765 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 765 डिग्री को आपको लिख सकते हैं हम इसे, आपको लिखना है इसे मल्टीपल ऑफ 180 या 90 के फॉर्म में। तो जैसे कि इसे हम लिख सकते हैं 720 प्लस 45, ठीक है। तो 720 अगर हमें लिखना चाहे तो, क्योंकि गाइस एक पाई इक्वल टू था हमारा 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 फोर जो होता है 725, तो यानी कि हम लिख सकते हैं इसे, इसे अगर हम रेडियन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 पाई, और 45 को लिख सकते हैं हम कितना, पाई बाय 4, ठीक है। अब आपको क्वाड्रेंट की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चार क्वाड्रेंट होते हैं हमारे, ठीक है। ये होता है हमारा वाई और ये होता है हमारा एक्स। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होते हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, दूसरे वाले में साइन की पॉजिटिव होती है, तीसरे वाले में टेन की पॉजिटिव होती है, और लास्ट वाले में, फोर्थ वाले में। तो ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फोर्थ वाले में हमारे कोसाइन की फंक्शंस होते हैं, उनकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो अगर आप देखेंगे, और अगर हम बात करें यहाँ से इनकी वैल्यू कहाँ कहाँ लाई करती है, तो ये होती है हमारी 0 से π/2 यानी कि 90 डिग्री तक, ये होती है हमारी π/2 से पाई तक, ये होती है हमारी पाई से लेकर 3π/2 तक, और ये होती है 3π/2 से लेकर 2π तक। यानी कि आप देखेंगे 2π के बाद वापस से रिपीट होगा, ठीक है। यानी कि 2π के बाद इसमें कितने हैं, 4π है। तो अगर हम इसे 2π के फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा 2 × 2π, ठीक है। यानी कि हम क्या करेंगे कि क्योंकि 2π के बाद रिपीट हो रहा है, तो ये वापस से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू प्लस होती है, क्योंकि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू प्लस होती है। तो इनसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन π/4, ठीक है। और साइन π/4 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, साइन π/4 की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी बताओ। ये क्लास 11th का क्वेश्चन है मैथ का। तो 45 होता है, क्योंकि और 45 डिग्री, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर, कि यानी कि साइन 765 डिग्री की वैल्यू होती है, ठीक है। तो आपको देखना है इसको, पहले आपको लिखना है कुछ इस फॉर्म में, ठीक है, जिससे कि ये थोड़ा हमारा ऐसे एंगल्स में आ जाए जिसमें हमें वैल्यू पता है, ठीक है। तो पाई बाय फोर की वैल्यू पता है, और जो ये एक्स, ये बचा हुआ पार्ट है, इससे हम पता चलेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो आप देखेंगे जो ये वाला 4π से हमें पता चलेगा, क्योंकि 2π तक होता है इसमें, 2π के बाद वापस रिपीट हो जाता है। तो यहाँ 2π एक बार, फिर दोबारा 2π, एंड 2π जब 4π ख़त्म हो जाएंगे तो बचेगा π/4, एंड π/4 लाई करता है 0 और π/2 के बीच में। तो यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि उसमें सारे फंक्शंस हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, a फॉर ऑल, s फॉर साइन, t फॉर टेन, एंड c फॉर कोसाइन, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड। अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन, बाय।